पुनीश और बनगी हुए इंटीमेट तो बिग बॉस को चलानी पड़ गई कैची। हिना खान ने उड़ाया साक्षी तनवर गौहर खान और संजीदा शेख का मजाक। न्यूली मैरिड इशिता दत्त और वत्सल सेठ ने बताई क्यों रही थी उनकी शादी इतनी प्राइवेट। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और मेरे पास है टेलीविजन के साथ साथ बिग बॉस के घर की सारी बड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं सबसे टेलीविजन के टॉप 10 न्यूज मेकर्स। टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता की उल्टा चश्मा की दया बेन ने एक खुशखबरी दी है। दरअसल दिशा वकानी रिसेंटली माँ बन गई है और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। दरअसल उनकी डिलीवरी 20 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उनके घर में खुशियों ने काफी समय पहले ही यानी 24 नवंबर को ही दस्तक दे दी। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दिशा की शादी भी 2015 में 24 नवंबर को ही हुई थी, यानी उनके पास है इस दिन को मनाने का डबल रीजन। हिना खान बिग बॉस के घर में एक के बाद एक ऐसे बयान देती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। उनसे जुड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी खत्म नहीं होती, तभी एक नई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। रिसेंटली एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिना खान ने गौहर खान, साक्षी तनवर और संजीदा शेख का मजाक उड़ाया है। हिना ने गौहर खान के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके तुलना में गौहर के फॉलोअर्स काफी कम है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। यही नहीं बल्कि हिना खान ने साक्षी तनवर के आई फीचर्स का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उन्हें भेंगी कह डाला। हिना खान ने संजीदा शेख को भी नहीं बख्शा, जो कि काफी खूबसूरत है। हिना ने इस बात से एग्री करती हैं और उन्होंने कहा संजीदा रियल लाइफ में काफी खूबसूरत है, लेकिन स्क्रीन पर नहीं। हिना के इस बात पर रिएक्ट करते हुए गौहर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, तमीज तो सीखी नहीं, अगर मैं सीखा होता तो झूठे कमेंट में कही गई इस बात पर लोग इतना नहीं हंसते। अल्लाह सबको तरक्की दे। वैसे अगर हिना का यही अंदाज बना रहा तो बिग बॉस के घर के साथ साथ बिग बॉस के घर के बाहर भी उनके कई सारे दुश्मन बन जाएंगे। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद सलमान खान की फिल्म रेस 3 में नजर आ सकती हैं। जी हाँ, दरअसल हाल में ही रेमो डिसूजा पहुंचे थे बिग बॉस 11 के घर में, जहां सपना के डांस को देखकर वो काफी इम्प्रेस हो गए। यही नहीं बल्कि रेमो ने सपना से कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहेंगे। अब ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेस 3 पर काम कर रहे रेमो डिसूजा की फिल्म में सपना चौधरी का आइटम नंबर देखने मिल सकता है। बिग बॉस हाउस में पुनीश और बंदगी का रोमांस इतना बढ़ गया है कि कभी कभी दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं, यहाँ तक कि एक साथ बाथरूम भी चले जाते हैं जहाँ पर कैमराज नहीं है। इनके इस हरकत पर सलमान खान ने भी चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है कि इन दोनों पर इसका कोई असर नहीं था। लेकिन हाल में ही इनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया है। रिसेंटली पुनीश और बंदगी गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, जहां बंदगी पुनीश से कहती हैं कि घर वालों को इतनी सारी परेशानी है, इसलिए उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। वैसे आपको क्या लगता है, बंदगी सीरियसली पुनीश के साथ ब्रेकअप करना चाहती है? इशिता दत्त और वत्सल सेठ ने 24 नवंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली, जिसे जानने के बाद सभी शॉक्ड रह गए। सभी के शॉक होने की वजह ये थी कि इस न्यूली मैरिड कपल ने अपने रिलेशनशिप को कभी किसी के सामने आने नहीं दिया था। हालांकि इस बारे में बात करते हुए इशिता और वत्सल ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि उनकी शादी का प्लान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन वो इस बारे में बात करना नहीं चाहते थे। वो हमेशा से एक प्राइवेट शादी करना चाहते थे। वेल, हमारी तरफ से इस कपल को न्यू लाइफ के लिए कांग्रेचुलेशंस। कास्टिंग काउच ग्लैमर इंडस्ट्री में एक आम बात हो गई है और हाल में ही इसका शिकार हुई है टीवी एक्ट्रेस सुलग्ना चैटर्जी। सुलग्ना ने न सिर्फ इस बात को कबूला है, बल्कि एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें उनसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो काम के लिए कोई कॉम्प्रो करने के लिए तैयार नहीं है। बिग बॉस के घर में जो कुछ भी होता है वो आप टीवी पर देखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं अनसीन वीडियोस, जिसमें कंटेस्टेंट्स के कई सारे सीक्रेट्स निकल कर बाहर आते हैं। रिसेंटली एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिल्पा शिंदे पुनीश शर्मा को अपनी टूटी शादी के बारे में बता रही हैं। उन्होंने कहा लोग उन्हें भगोड़ी कहते हैं, मीडिया में ये खबर है कि वो भाग गई थी। दर शिल्पा की बात सुनकर तो यही लगता है कि आज भी उन्हें अपनी शादी के टूटने का गम है। अक्षय कुमार को इंडस्ट्री का प्रोफेशनल एक्टर कहा जाता है, और हो भी क्यों ना। रिसेंटली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सेट पर शूट करते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि उन्होंने इस चीज को इग्नोर करते हुए भी शूट पूरा किया। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में हमें एक ऐसा टास्क देखने को मिला, जिसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कंटेस्टेंट अपने टास्क को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिग बॉस ने दानव और लिलीपुट का टास्क दिया था, जिस दौरान हिना खान ने बंदगी के मुंह पर मिर्ची मल दी, वहीं शिल्पा शिंदे को मिर्ची खिला दी। हिना के सत्याचार के बाद जब शिल्पा शिंदे का टर्न आया तो बंदगी ने टास्क को पूरा करने के चक्कर में हिना खान के बाल ही काट दिए। लेकिन इस टास्क में जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी वो थे आकाश दरलानी और हितेन तेजवानी। एक तरफ जहां आकाश ने हितेन के पैरों की वैक्सिंग कर दी, जो कि काफी दर्दनाक था, वहीं शिल्पा ने आकाश के मुंह पर लहसुन का पेस्ट मल दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा मुंह सूज गया।
वैसे मुंह सुझा कर भी आकाश इस टास्क को नहीं जीत पाए। आपके हिसाब से कौन था डिजर्विंग विनर? बिग बॉस के घर में इस हफ्ते आकाश और पुनीश में जबरदस्त लड़ाई हुई। इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आकाश ने पूरे घर में खूब हंगामा किया, यहाँ तक कि कसम खाई कि वो कभी दोबारा पुनीश से बात नहीं करेंगे। इस हंगामे के बीच सलमान खान ने पुनीश और आकाश को सुल्तानी अखाड़े में बुलाया, लेकिन जब दंगल की बारी आई तो आकाश इस गेम में पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आए, जिससे गुस्सा होकर सलमान खान ने टास्क बीच में ही छोड़कर निकल गए। वैसे आकाश की इस हरकत पर सलमान खान का गुस्सा होना लाजमी था, क्यों? तो ये थे इस हफ्ते टेलीविजन के टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और पिंक वाला हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।